अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस बास क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज की वीडियो में 2 मंथ के कोर्सेज लगे थे, तो मैंने सोचा पहले ही आपके साथ इसको शेयर कर दिया जाए। तो मार्च और अप्रैल के जो है वो 2 मंथ के कोर्सेज मेमन फाउंडेशन के लग गए हैं, तो इसीलिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके और जो बिल्कुल स्लोमो में चला दिया कि आप डिटेल में जो है वो इनको देख सकें, टाइमिंग देख सकें, मिस का नाम देख सकें और डेज देख सकें और आराम से जो है ना आप इसको हर चीज़ को देखें। और वन डे वाले भी जो फरवरी के वन डे की जो क्लासेस रहती हैं वो भी अभी पूरा मंथ अभी बाकी है, तो वो उसकी भी जो है ना मैंने वन डे की लिस्ट भी जो है वो आगे शेयर कर दी है। और इन्हीं सिलेबस की जो इन्हीं कोर्सेज के सिलेबस भी हैं आगे, तो मैंने डिटेल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दी है। और अगर कुछ आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, जितनी मुझे नॉलेज होगी मैं आपके साथ उसको शेयर कर दूंगी। और इसके अलावा जो है ना इनमें से मैंने मेहंदी के, कुरैशिट के और जो है ना एडवांस मेकअप वगैरह के कोर्सेज मैंने किए हुए हैं, तो मेरी बाकी वीडियोज़ को भी देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। और बस यहाँ पे आप कोर्सेज को देखिए और फिर जो है अपने अभी ही जाकर जो है वो फॉर्म फिल कर लीजिए, वरना फिर कोर्स जो है ना जल्दी लग जाते हैं तो फिर उसके एडमिशन भी जल्दी हो जाते हैं, फॉर्म फुल हो जाती हैं, पूरी क्लासेस फुल हो जाती हैं, तो आपको जो है ना फिर मिलना मुश्किल हो जाती है। तो फिर बाद में आप मुझे कमेंट में बोल रहे होते हैं कि हम अब जा सकते हैं, अब जा सकते हैं। जब फरवरी का मंथ स्टार्ट हो गया था तो फिर जो 2 मंथ की जो 1 मंथ के कोर्स थे उसके बारे में आप पूछ रहे थे, तो इससे पहले 15 दिन पहले जाकर आप ले लीजिए। यहाँ पे अभी मार्च का मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो अभी पूरा मंथ यानी 20 डेज अभी पूरे बाकी हैं। आप जाएँ और आराम से जाके फॉल अच्छी तरीके से देख के फॉर्म फिल करें और एडमिशन ले लें। तो बस यहाँ पर इतनी ही, अभी के लिए जो है वो इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।